हेलो बच्चों, आज मैं आपको भारत के एक महानायक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं से प्रारंभ करते हैं। एक बार अदालत की कार्यवाही चल रही थी। एक ऊंची सी कुर्सी पर जज साहब बैठे हुए थे। अंग्रेजी सरकार और किसानों के बीच कर को लेकर कोई मुकदमा चल रहा था। दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने किसानों के वकील को आकर एक पत्र दिया। वकील साहब ने वो पत्र पढ़ा और एकदम शांत हो गए, एकदम चुप से हो गए। चिंता की लकीरें उनके माथे पर चली आई। फिर उन्होंने कुछ सोचकर वह पत्र अपनी जेब में रख लिया और अदालत की कार्यवाही जारी रखी। अंत में किसान मुकदमा जीत गए, अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और कर का आदेश वापस लेना पड़ा। तब कुछ किसान वकील साहब के पास आए और बोले, साहब उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? वकील साहब ने वो पत्र निकाला और किसानों को दे दिया। किसानों ने वह पत्र पढ़ा तो बड़े अचंभित आश्चर्यचकित से हो गए। पता है बच्चों, उस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में उन वकील साहब की पत्नी की मृत्यु का दुखद समाचार लिखा था और उसमें लिखा था, पत्र को मिलते ही तुरंत चले आओ। लेकिन उन वकील साहब ने खुद पर धैर्य रखते हुए बड़े संयम के साथ अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और अपनी कार्यवाही जारी रखी। जानना चाहते हो बच्चों, यह संयमी, धैर्यवान और साहसी व्यक्ति कौन था? तो ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जीवन से जुड़ी एक घटना और बताता हूँ। जब ये 10 या 12 वर्ष के रहे होंगे तो इनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती थी। किसी ने बताया, फला गांव में कोई व्यक्ति है जो लोहे की गर्म छड़ से दाग कर इस फोड़े को ठीक कर देगा। छोटे से बालक को वहां ले जाया गया, लेकिन बालक की इतनी कम आयु देखकर किसी में इतना साहस ही नहीं हुआ कि गर्म छड़ से बच्चे के फोड़े को दाग सके। तब सरदार पटेल ने बड़ी हिम्मत के साथ लोहे की छड़ खुद छीन कर अपने फोड़े को खुद ही दाग लिया। इनके इस साहस और धैर्य को देखकर स्वतंत्रता संग्राम में इनके साथी ने लौह पुरुष कहने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाड़ियाड के करमसद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और इनकी माता का नाम श्रीमती लाखवा पटेल था। अपने माता पिता की चौथी संतान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ही पूरी की और उसके बाद ये वकालत की डिग्री लेकर लंदन से आए। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के विचारों से अत्यंत प्रेरित थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही यह स्वतंत्रता संग्राम में आए। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किसानों के आंदोलन का सदैव नेतृत्व किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी किसानों के केस लड़े गए वो सरदार पटेल द्वारा लड़े गए। सरदार नाम भी इनको बारदोली आंदोलन में महिलाओं द्वारा दिया गया था। क्योंकि इनमें नेतृत्व करने की कुशल क्षमता थी, इसलिए महिलाएं इन्हें प्यार से सरदार कहने लगी और सरदार शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के देशी रियासतों का भारत में एकीकरण बहुत मुश्किल, असंभव सा कार्य लग रहा था। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता के साथ उन सबका भारत में विलय कराया। उस समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिनको भारत में मिलाकर सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया। 15 दिसंबर 1950 को भारत का यह महापुरुष इस दुनिया को अलविदा कह गया। इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने सन 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इनके सम्मान में गुजरात के नर्मदा जिले के सब सरोवर में इनकी 183 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की है, जो विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्यारे बच्चों, सरदार पटेल के जीवन से हमें दृढ़ निश्चयी, संयमी, सत्साहसी, कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।